नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 हिंदी में पाठ सुबह की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पाठ के अंदर मैं आपको पहले इसकी कथा वस्तु समझाता हूँ। इस पाठ के अंदर क्या है, इस पाठ के अंदर एक 11 साल की लड़की है जिसका नाम रेशमा है। यह रेशमा जब छोटी थी तब उसके घुटने के नीचे के दोनों पैर बेकार हो चुके थे, बेजान हो चुके थे, जिसे हम लकवा कहते हैं, लकवा ग्रस्त हो चुके थे। उसके दोनों पैर, घुटनों के नीचे के दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी यह रेशमा नाम की लड़की अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। फिर भी इन लड़की के दोनों पैर काम नहीं करते थे, उसके बावजूद यह लड़की अपनी हिम्मत से और अपनी अक्ल से सबका मन मोह लेती थी। कभी हिम्मत ना हारने वाली इस रेशमा की कहानी कुछ इस तरह है। यह रेशमा घर में भी काम कराती है। उसने एक बार देखा कि घर के अंदर उसकी मम्मी, उसके भाई सब अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई भी इंसान घर के अंदर यूं फालतू नहीं बैठा हो, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। तब उस रेशमा ने मम्मी से पूछा कि मम्मी आज क्या है, ऐसी क्या चीज है तो आज सब लोग घर का काम कर रहे हैं, घर में सब सब झाड़ू पोछा वगैरह ये सब क्या है, क्या हो रहा है सर घर के अंदर, सफाई क्यों हो रही है। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुझे पता नहीं है, दीपावली आ रही है, दीपावली के त्योहार आ रहे हैं। इस त्योहार को हम धामधूम से मनाए, इसीलिए हम इस घर की सफाई कर रहे हैं। हम सब भी दीपावली आती है तब हम अपने अपने घरों में सफाई करते हैं, अपने अपने घरों की जो पुराना जो कचरा कूड़ा है उसे बाहर फेंक देते हैं, घर के बर्तन आदि साफ करते हैं और अपने घर को पूरा एकदम जैसे कि नया के नया जैसा घर बना देते हैं। बस वैसा ही कुछ रेशमा के घर हो रहा था। तब रेशमा ने उसकी उसकी मम्मी से पूछा कि मम्मी, आपने सबको काम सौंप दिया, आपने मुझे काम क्यों नहीं सौंपा है। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मुझे पता है मैं आपको काम सौंपूंगी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन पहले आप अभी खड़ी हुई हो, आप जाओ पहले चाय नाश्ता कर लो, मैं आपको बाद में काम सौंपूंगी। रेशमा व्हील चेयर, जिस कुर्सी पर, जो पहिए वाली कुर्सी, उस पर बैठी है और अपनी कुर्सी को चलाते हुए वह अपने जो रोजाना के काम है वह करने गई। उसके बाद उसने नाश्ता वाला कर लिया। नाश्ता करने के बाद उसकी माँ ने उसे आवाज दी, रेशु। उसकी माँ उसे प्यार से रेशु कहती थी, बेटा रेशु, नाश्ता हो गया तो आओ मुझे थोड़ा थोड़ी काम में मदद कराओ। ऐसा बोली, हाँ माँ, मैं अभी आ रही हूँ। उसकी माँ उसे इतना प्यार करती थी कि उसे हर रोज ड्राई फ्रूट का जो दलिया है वो बनाकर उसे खिलाती थी। और आज भी रेशमा ने वही कहा कि मैं आज का दलिया, ड्राई फ्रूट का दलिया आज बहुत अच्छा बना है। ड्राई फ्रूट का मतलब होता है जो हम काजू, बादाम, पिस्ते जो हम खाते हैं उसे ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो रेशमा ने कहा, मैं आ रही हूँ। रेशमा भी आई, माँ ने कहा, बोलो क्या काम है। तो माँ ने कहा, देखो बेटा, मैंने ये सब बर्तन सब साफ कर लिए हैं, आप उस पर मुझे स्टिकर लगाकर और नाम लिखकर दो कि इस बर्तन में क्या है, इस डब्बे में क्या है। रेशमा ने कहा, ठीक है माँ। और रेशमा ने सारे डब्बों पर स्टिकर लगाकर उस पर उस डब्बे में क्या भरा है उसका नाम लिख लिख कर अपनी माँ को पकड़ाए, और माँ ने उस डब्बों को फिर से जहाँ उसको रखना था वहां पर उसको रख दिया। आधे या 1 घंटे के अंदर पूरा जो रसोई घर था वो चमचमाने लगा। अब इस पाठ आगे बढ़ता है। एक दिन क्या हुआ कि त्यौहार नजीक आ रहे थे, उसकी माँ ने कहा कि मुझे लड्डू बनाने हैं। लेकिन क्या हुआ, लड्डू बनाने का जो हम सामान था वो लाना भूल गई थी, और रेशमा के पापा वो ऑफिस जा चुके थे। रेशमा के दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे, वो बाजार जा नहीं सकते थे। बोलू रेशमा का छोटा भाई था, वो बहुत छोटा था, वो बाजार जा नहीं सकता था। तब रेशमा ने हिम्मत से कहा, देखो माँ, चिंता मत करो, जो भी सामान लाना है आप मुझे दो, सामान की लिस्ट दो, मैं आप जो चाहोगे वो सामान मैं आपको लाकर दूंगी। माँ ने कहा, लेकिन बेटा आप कैसे जाओगी। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं चले जाऊंगी। रेशमा ने माँ से लिस्ट ली, अपने कुर्सी को धक्का लगाते हुए धीरे धीरे वह घर से बाहर निकली और सारा सामान अच्छी तरह से लेकर वापस घर आ गई। वापस घर आते समय छोटे भाई के लिए ट्रॉफी लाई, और घर आकर पहले उसने अपने भाई को बुलाया, भोलू, क्या नाम, उसे प्यार से भोलू कहते थे, भोलू इधर आओ। भोलू आया, क्या है दीदी, लो आपके लिए ट्रॉफी है। भोलू बहुत खुश हो गया, भोलू ने ट्रॉफी खाई।
और माँ ने जब लिस्ट तो सामान चेक किया, सामान को जब किया तो सामान बिल्कुल सही था। फिर एक दिन क्या हुआ कि दीपावली का दिन आया, दीपावली का दिन आया, सारे मोहल्ले में एक रोशनी की जगमगा उठी, सारा मोहल्ला रोशनी से जगमगा उठा, सारे मोहल्ले में रोशनी रोशनी के, सब लोगों ने अपने अपने घर दिए जलाए जैसे हम जलाते हैं, किसी ने रोशनी की, किसी ने दिए दिए जलाए, सारा मोहल्ला रोशनी से जगमगा उठा, रेशमा का घर भी रोशनी से जगमगा उठा। फिर क्या हुआ कि रेशमा भी अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी, उधर उसके मम्मी पापा थे वो घर के अंदर बैठे थे, बाहर भोलू और उसके सब दोस्त मिलकर पटाखे जला रहे थे। उसी समय एक घटना हो जाती है कि भोलू एक पटाखा लेता है, उस पटाखे को जलाकर वो फेंकता है और वो पटाखा फूटता नहीं है, जलता नहीं है और वो पटाखा बुझ जाता है। भोलू ने सोचा अब ये पटाखा खराब हो गया है, फिर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने दोस्तों के में काम में लग गया, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। उसी समय इस रेशमा की नजर उस पटाखे पर पड़ी। अब हुआ क्या कि भोलू की जो पीठ थी वह पटाखे पर थी, भोलू को पता नहीं कि मेरे पीछे पटाखा फिर से जल उठा है। रेशमा ने देखा कि उस पटाखे से चिंगारियां निकल रही थी, भोलू को पता नहीं था, भोलू के पीठ के पीछे वो पटाखा जल रहा था, पटाखा बहुत बड़ा होगा। रेशमा ने जोर से आवाज लगाई, भोलू तुम्हारे पीठ के पीछे पटाखा है, तुम वहां से निकलो। लेकिन उस समय इतनी आवाज थी, बच्चे सब शोरगुल कर रहे थे, तो वो आवाज उसके पास भोलू ने सुनी नहीं। अब रेशमा ने कहा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रेशमा ने अपनी फूलझड़ी फेंकी, बुझा कर एक तरफ रखी और अपनी पूरी ताकत से जिस चेयर पर, जिस कुर्सी पर वो बैठी थी, उस कुर्सी को ये जोर लगाते हुए वो चिल्लाती हुई भोलू की तरफ वह भागी। और जाकर उसने क्या किया, उसने कुछ बोला नहीं और भोलू को जोरदार धक्का मारा। भोलू को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरी बहन ने मुझे धक्का क्यों मारा। भोलू को धक्का मारा जैसे, और धड़ाम से आवाज हुआ, घर के सभी लोग बाहर आए, क्या हुआ क्या हुआ, अरे रेशमा गिर गई, रेशमा गई, पटाखा फूट गया, पटाखा फूट गया, सब लोग चिल्लाने लगे। भोलू को अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। रेशमा के पापा आए, से देखा रेशमा नीचे पड़ी हुई है, उसके ऊपर कुर्सी पड़ी हुई है। उसके पापा ने तुरंत जाकर कुर्सी को हटाया, रेशमा को खड़ा किया, रेशमा को फिर से कुर्सी पर बैठाया और रेशमा से कहा, बेटा तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? नहीं, थोड़ी बहुत मामूली चोट आई थी रेशमा को। लेकिन रेशमा ने अपनी जिंदा दिली से, अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने अपने भाई की जान बचाई थी। और इस बात के लिए सब लोग रेशमा को शाबाशी दे रहे थे, सब लोग रेशमा को बहुत अच्छी तरह से उसको प्यार कर रहे थे। सब लोग आके, तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, क्या हुआ, इतना बड़ा धमाका, पटाखा बहुत जोर से फटा, आवाज आया, सब लोग रेशमा की तारीफ कर रहे, सब लोग रेशमा को अच्छा अच्छा कह रहे थे। रेशमा को थोड़ी चोट आई, रेशमा को फिर उसके भी थोड़ी मलम पट्टी की गई हुई। फिर भोलू को पता चला गया कि क्या हुआ है। फिर भोलू को बुलाया, देखो बताया क्या हुआ। हाँ, फिर भोलू को पता, हाँ पटाखा जल रहा था और मुझे बचाने के लिए मेरी बहन ने मुझे जोर से धक्का मारा कि मुझे समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसकी भोलू ने कहा कि बहन आपने मेरी जान बचाई, आपका शुक्रिया, लेकिन आपका ये जोरदार धक्का जो आपने मुझे मारा है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह से बात हुई और सब लोग फिर से हंसने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि रेशमा आज तो बड़ी हो गई है, लेकिन आज भी रेशमा अपने सारे काम खुद स्वयं करती है। आज भी रेशमा वही जिंदा दिली से जीती है, आज भी रेशमा अपने जिंदा दिली से जीती, उतना ही नहीं अपने कार्य करती है, सिर्फ उतना ही नहीं वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। और आज भी ऐसा कहा जाता है, ये एक सच्ची घटना है, और आज भी रेशमा अपने बाहुबल पर आगे से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम किसी चीज या हम हाथ पैर या किसी से हम अपाहिज हो जाए तो हमें डर कर या ऐसे मुरझा कर बैठना नहीं चाहिए, हमें अपनी जिंदा दिली से काम लेना चाहिए और जो हमारी कमजोरी है
उसे ही अपनी ताकत बनानी चाहिए और उसी ताकत से हमें अपना कार्य करना चाहिए। इस भाग के अंदर मैंने इस पाठ की चर्चा की है। दूसरे भाग के अंदर मैं इस पाठ को आपको पढ़ाऊंगा, इसकी चर्चा करूंगा दोस्तों। और अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।